मानसून की भारी बरसात के दौरान शहर की लगभग प्रत्येक गली मोहल्लों, मुख्य मार्गों और हाईवे की सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इन टूटी सड़कों पर वाहन चालकों को हो रही परेशानियों की खबर डीसीएन लाइव द्वारा प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद नगर परिषद अब हरकत में आया है। परिषद द्वारा टेंडर जारी कर शहर की टूटी सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। बाड़मेर में मानसून की भारी बरसात के बाद शहर के हाल खराब हो गए थे। शहर में ऐसी कोई भी सड़क नहीं थी जो सही हो। शहर के गली मोहल्लों से लगाकर मुख्य मार्गों और हाईवे की सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं टूटी सड़कों के कारण आए दिन हो रहे हादसों व वाहन चालकों को हो रही परेशानियों की खबर डीसीएन लाइव द्वारा प्रमुखता से प्रसारित कर जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित किया गया। खबर प्रसारण के बाद आखिरकार नगर परिषद चेती और शहर के भीतर टूटी सड़कों की शुद्ध लेना शुरू की। नगर परिषद द्वारा टेंडर जारी कर शुक्रवार से शहर में सड़क मरम्मत और दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू किया गया। नगर परिषद द्वारा शहर के सही सर्किल से सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। टेंडर जारी होने के बाद अब कई जगहों पर पूरी सड़कें ही नहीं बनाई जा रही है तो कई जगहों पर पेचवर्क का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में सभापति दिलीप माली और आयुक्त योगेश आचार्य का कहना है कि बरसात का सीजन खत्म होने के साथ ही सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। परिषद के अधिकारियों के मुताबिक शहर के हर वार्ड में अलग अलग टेंडर जारी किए गए हैं। कई जगहों पर जहां सड़कें पूरी टूट गई है वहां पूरी सड़क ही नहीं बनाई जा रही है तो कई जगहों पर पेचवर्क के टेंडर जारी किए गए। वहीं जो सड़कें गारंटी पीरियड में हैं उन्हें ठेकेदार द्वारा सही करवाया जा रहा है। अब जल्द ही शहर की सभी टूटी हुई सड़कों को सही किया जाएगा।